मैं प्रज्ञा सिंह, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सबका गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के अध्याय 23 प्रत्याशित माता के देखरेख के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने गर्भवती स्त्री की देखरेख या प्रत्याशित माता की देखरेख करना क्यों आवश्यक है, उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, इस पर चर्चा की थी। साथ ही हमने उन लक्षणों पर चर्चा की थी जिसके आधार पर गर्भावस्था की पहचान की जा सकती है और गर्भावस्था में होने वाले विभिन्न प्रकार के कष्टों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि गर्भावस्था की देखरेख के लिए और किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कि आज हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या होंगे। बच्चों, आज हम सबसे पहले एक गर्भिणी की स्वास्थ्य की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम गर्भवती स्त्री के आहार पर चर्चा करेंगे, पोषक तत्वों की मात्रा किस प्रकार विभिन्न हो जाती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसी आहार संबंधी आवश्यकता को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम एक गर्भवती स्त्री की आहार संबंधी दैनिक आवश्यकता को एक तालिका के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात उस दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किन खाद्य समूहों के भोज्य पदार्थों की कितनी मात्रा गर्भवती को एक दिन में अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए, उसको भी हम एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद गर्भवती को अपने आहार संबंधी किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे और अंत में प्रसव के दिन की गणना किस प्रकार की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी चर्चा का हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि एक गर्भवती स्त्री या प्रत्याशित माता की देखरेख की स्वास्थ्य की सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की आधी आबादी महिलाओं से बनी हुई है और इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज के लिए महिलाएं एक मजबूत स्तंभ के रूप में होती हैं और आवश्यक है कि हम महिलाओं और बच्चों जब दोनों का स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे तभी वह देश आगे चलकर विकसित हो सकता है। बच्चों, जब किसी महिला की मृत्यु होती है तो ना केवल किसी एक बच्चे से उसकी माँ का आंचल छिन जाता है अपितु पूरा का पूरा परिवार भी बिखर जाता है और इसलिए आवश्यक होता है कि गर्भावस्था में स्त्री की देखरेख अवश्य की जाए, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए जिससे जन्म लेने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो और माता भी स्वस्थ रह सके। बच्चों, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की उचित देखरेख, उसके पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रसव की तैयारियां किस प्रकार करनी चाहिए, उस समय हमें किन बातों पर सावधानी रखनी चाहिए या किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन सब की जानकारी ना केवल गर्भवती स्त्री को ही अपितु उसके पूरे परिवार को होनी चाहिए, तभी वह उस गर्भवती स्त्री की भली प्रकार से देखरेख कर पाएंगे। आज हमारी चर्चा का प्रमुख बिंदु भी यही होगा। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं कि एक गर्भवती स्त्री के उत्तम स्वास्थ्य के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों, गर्भवती स्त्री को जिन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है उसमें सबसे प्रमुख बिंदु है और प्रथम बिंदु है गृह कार्य में सावधानी। बच्चों, हम सब जानते हैं गृहिणी को अपने गृहस्थ के कार्यों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, भारी सामान उठाना इत्यादि। गर्भावस्था में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि भारी सामान उठाना, उछलना, कूदना जैसी गतिविधियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इसका अर्थ ये नहीं है कि गर्भवती स्त्री को बिल्कुल आराम की स्थिति में आ जाना चाहिए। उसे अपने घर के छोटे मोटे काम, हल्के फुल्के कार्य करते रहने चाहिए, उससे उसके शरीर में गतिशीलता भी बनी रहती है, परंतु सावधानी पूर्वक। उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि गृह कार्य को करते समय यदि उसे थकान का या कमजोरी का अनुभव होता है तो उसे उस समय रुककर तुरंत ही आराम कर लेना चाहिए जिससे कि वह अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सके और अपने कार्यों को आगे कर सके। इसलिए गर्भावस्था में अपनी गतिविधियां किस प्रकार से करनी है इस पर विशेष ध्यान देना ही
चाहिए। बच्चों, जो दूसरा बिंदु है वह है चिंता रहित दिनचर्या। बच्चों, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और हमारा मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। जैसा आप सबको भी आपने अनुभव किया ही होगा कि जब आपकी परीक्षा के दिन होते हैं तो आपको जो है चिंता के कारण आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं लगती। उसी प्रकार से जब मानसिक स्वास्थ्य अगर हमारा उत्तम नहीं होता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और क्योंकि गर्भावस्था में माता के साथ साथ एक शिशु के भी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस गर्भवती स्त्री पे होती है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि गर्भावस्था में चिंता, क्रोध या सदमे जैसी स्थिति से गर्भवती स्त्री को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका हानिकारक प्रभाव ना केवल माता पर अपितु बच्चे पर भी पड़ता है। व्यर्थ की चिंता एवं क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो। आसपास के वातावरण को शांत एवं सुगंधित रखने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है जिस पर हमें विशेष ध्यान गर्भावस्था में देना होता है, वह है व्यायाम। व्यायाम वैसे तो हर एक प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य की कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को स्थान देना ही चाहिए, परंतु गर्भावस्था में कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यायाम करने से हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है, हमारा परिसंचरण और भरी प्रकार से होता है। और क्योंकि गर्भ में पलने वाले बच्चे का पोषण रक्त के माध्यम से ही होता है, तो व्यायाम रक्त के शुद्धिकरण और परिसंचरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसलिए व्यायाम को विशेष स्थान देना ही चाहिए। बस सतर्कता इस चीज पर बरतनी चाहिए कि वही व्यायाम करने चाहिए जो गर्भावस्था में उचित हो और उनका कोई हानिकारक प्रभाव होने वाले बच्चे या माता पर ना पड़े। इसके साथ साथ व्यायाम करने से गतिशीलता बनी रहती है, हड्डियों के जोड़ लचीले बने रहते हैं, कमर एवं कूल्हे की हड्डियों में लचीलापन रहने से प्रसव के समय में गर्भवती को कम कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। बच्चों, अगला बिंदु जो है वह है शुद्ध वायु एवं धूप का सेवन। बच्चों, गर्मी के दिनों में हमें शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए। शुद्ध वायु में टहलने से हमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकती है, और साथ ही साथ जाड़े के दिनों में हमें धूप का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धूप की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है, और विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। और क्योंकि गर्भावस्था में इन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक चाहिए होती है, इसलिए विटामिन डी की उपलब्धता बहुत ही लाभदायक गर्भावस्था में होती है। और इसके साथ साथ बच्चों, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनमें संक्रमण को दूर करने की भी क्षमता होती है। वह जीवाणुनाशक होते हैं जो जिनके प्रभाव से एक गर्भवती स्त्री संक्रमण से आसानी से भी बच सकती है। बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गर्भावस्था में एक गर्भवती स्त्री के कपड़े, जूते एवं चप्पल किस प्रकार के होने चाहिए। बच्चों, पिछले भाग में हमने जब चर्चा की थी तो आपको यह बताया था कि गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के कारण जो सामान्य स्थिति के कपड़े हैं वो गर्भवती को कसे होने लगते हैं, उसमें वह आराम महसूस नहीं करती है। गर्भवती स्त्री को सदैव ढीले कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि रक्त परिसंचरण भरी प्रकार से हो पाए और शिशु के विकास में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। कसे कपड़ों में रक्त परिसंचरण होने में समस्या उत्पन्न होती है और उसका हानिकारक प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। साथ ही साथ एक गर्भवती स्त्री को सदैव समतल जूते चप्पल पहनने चाहिए, उसे ऊंची एड़ी के जूते चप्पल कदापि नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे गिरने का भय रहता है और गिरने के हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बच्चों, जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि जिसमें गर्भवती स्त्री को विशेष सावधानी रखनी है कि वह है व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वच्छता का बहुत ही ज्यादा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को जब स्वच्छ रहता है तभी वह स्वस्थ रह सकता है। गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के कारण त्वचा रूखी भी हो जाती है और कई बार सूख कर निकलने भी लगती है। गर्भवती स्त्री को स्नान करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए वह अपने स्तन, नाखून,
दांत एवं जनन अंगों का की सफाई पर विशेष जोर दे, जिससे कि किसी भी प्रकार का संक्रमण उसे ना होने पाए। बच्चों, इस समय मूत्र मार्ग संबंधी संक्रमण होना प्रायः आम बात हो जाती है, इसलिए जनन अंगों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अंतिम बिंदु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है टीकाकरण एवं डॉक्टरी जांच। बच्चों, गर्भवती स्त्री को समय समय पर नियमित रूप से एक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और अपनी जांच कराती रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं जांच के माध्यम से यह पता चलता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा उचित रूप से विकसित हो रहा है या नहीं, और साथ ही साथ महिला के भी स्वास्थ्य का पता चलता है कि उसका स्वास्थ्य उत्तम है या नहीं। इसलिए नियमित रूप से गर्भवती महिला को अपना एक कार्ड बनवा लेना चाहिए और उसके अनुसार नियमित समय पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने परीक्षण कराना चाहिए, अपनी जांच कराना चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार आवश्यक दवाइयां या सावधानियां बरतनी चाहिए। और इन्हीं सावधानियों में विशेष होता है टीकाकरण, जिसमें टिटनेस का टीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गर्भावस्था में 2 बार लगवाना ही चाहिए। बच्चों, ये वे सावधानियां थी जिनको बरत कर एक गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सकती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, परंतु इनका ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है, और इसका ध्यान ना केवल गर्भवती स्त्री को अपितु उसके पूरे परिवार को भी रखना ही चाहिए। और बच्चों, हम सब जानते हैं कि गर्भवती स्त्री का पोषण माता के द्वारा होता है, इसलिए माता के आहार का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है गर्भस्थ शिशु के विकास पर पड़ता है। तो अब हम एक प्रत्याशित माता के आहार पर चर्चा करेंगे कि उसका आहार किस प्रकार का होना चाहिए। बच्चों, अभी जैसा मैंने आपको बताया ही था कि गर्भस्थ शिशु का पोषण माता के रक्त के माध्यम से ही होता है, इसलिए सीधा प्रभाव उसके आहार का गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए माता के आहार में इतनी क्षमता होनी ही चाहिए कि वो ना केवल माता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपितु होने वाले बच्चे की भी आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर सके। उसके भोजन में ऊर्जा देने वाले तत्व, शरीर की सुरक्षा करने वाले तत्व एवं शरीर के निर्माण करने वाले तत्व आवश्यक रूप से होने ही चाहिए, और उसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए कि वह मात्रा ना केवल गर्भवती स्त्री की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपितु साथ साथ उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों की भी देखरेख कर सके, या उसकी होने वाले परिवर्तनों की भी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, और माता के साथ साथ जन्म लेने वाला शिशु भी स्वस्थ हो और वह पोषक तत्वों के इतने संचय के साथ जन्म ले कि जन्म के बाद भी वह एक सामान्य रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सके। तो बच्चों, इसलिए गर्भवती स्त्री के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पोषक तत्वों की मात्रा गर्भावस्था में परिवर्तित होती रहती है। सबसे पहले हम कार्बोज और वसा पर चर्चा करेंगे, जो हमें ऊर्जा देने के प्रमुख स्रोत हैं, और हम देखेंगे कि गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मात्रा किस प्रकार एक सामान्य महिला से भिन्न होती है। बच्चों, गर्भावस्था के दौरान शरीर का वजन बढ़ता है, और शरीर का वजन बढ़ना ही इस बात का प्रमाण भी होता है कि बच्चे का विकास माता के गर्भ में भली प्रकार से हो रहा है। जब तक माता प्रसव के लिए तैयार होती है, उस समय तक उसके रक्त की मात्रा लगभग 60% बढ़ जाती है, गर्भनाल का निर्माण हो जाता है, उसका गर्भाशय विकसित होने लगता है, जिससे कि वो बच्चे को भली प्रकार से समायोजित कर सके। उसके स्तन विकसित होते हैं, जिससे कि वह जन्म लेने के बाद बच्चे का पोषण कर सके। बच्चों, इन सभी परिवर्तनों के कारण गर्भवती माता की कैलोरी की आवश्यकता एक सामान्य महिला से भिन्न हो जाती है। उसकी मात्रा सामान्य महिला की कैलोरी की आवश्यकता से बढ़ जाती है। वह लगभग 300 कैलोरी
बढ़ जाती है। अगर एक सामान्य महिला को जो एक सामान्य श्रम कर रही है उसे यदि 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है तो उसी महिला के गर्भवती होने पर उसकी कैलोरी संबंधी आवश्यकता 2100 से बढ़कर 2400 कैलोरी हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार से मध्यम कार्य करने वाली स्त्री की 2400 से बढ़कर 2700 और भिन्न भिन्न श्रम की स्थिति के अनुसार वह बदलती रहती है। अर्थात जो उसकी सामान्य स्थिति में कैलोरी की आवश्यकता है उसमें 300 कैलोरी बढ़ जाना, सामान्य प्लस 300 बढ़ जाना गर्भावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बच्चों इसलिए एक सामान्य महिला से कैलोरी की आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है। बच्चों हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारी शरीर की कोशिका के निर्माण की इकाई है, अर्थात हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे ऊतक का निर्माण प्रोटीन के माध्यम से ही होता है। और अभी जैसा मैंने आपको चर्चा में बताया था कि गर्भावस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, विभिन्न प्रकार के नए नए ऊतकों का निर्माण होता है और साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे की भी वृद्धि एवं विकास होता रहता है और इन सब को पूरा करने के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था में प्रोटीन की मात्रा बढ़कर लगभग प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम हो जाती है, अर्थात एक गर्भवती स्त्री को अपने आहार में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जिससे कोशिकाओं का निर्माण हो सके और गर्भवती स्त्री के अंग एवं शिशु दोनों वृद्धि एवं विकास कर सके। बच्चों इसके लिए गर्भवती स्त्री अपने आहार में दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ, काजू, बादाम, दलहने, दालें, मछली, मांस, अंडे इत्यादि का सेवन कर सकती है। ये सब प्रोटीन के उत्तम स्रोत होते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खनिज लवणों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। बच्चों वैसे तो गर्भावस्था में लगभग सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, परंतु जिन खनिज लवणों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है वह होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस एवं आयरन या लौह लवण। कैल्शियम और फॉस्फोरस गर्भवती स्त्री एवं बच्चों की मजबूत हड्डी एवं दांतों के विकास के लिए अनिवार्य होता है, इसलिए कैल्शियम की मात्रा एक गर्भवती स्त्री के आहार में प्रतिदिन लगभग 1500 मिलीग्राम होनी चाहिए, अर्थात उसे ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो उसे 1500 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन प्रदान कर सके। इसके लिए गर्भवती स्त्री दूध एवं दूध से बने पदार्थों का सेवन कर सकती है। और लौह लवण की आवश्यकता, जैसा मैंने अभी आपको प्रारंभ में बताया था कि गर्भावस्था के दौरान जब तक स्त्री प्रसव के लिए तैयार होती है तब तक उसके रक्त की मात्रा लगभग 60% बढ़ जाती है। बच्चों ये 60% रक्त की मात्रा बढ़ने के लिए रक्त तरल हो जाता है। जब रक्त तरल हो जाता है तो उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और वो हीमोग्लोबिन की कम मात्रा का होना एनीमिया के लक्षण दिखाने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि गर्भवती स्त्री अपने भोजन में लौ संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, सेब, चुकंदर आदि पदार्थों का सेवन करें जो उसे लौह तत्व प्रदान करें और हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक हो सके। बच्चों हीमोग्लोबिन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्यों? क्योंकि प्रसव के समय में भी गर्भवती स्त्री का अत्यंत अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है, इसलिए यदि वह पहले से ही एनीमिया का शिकार होगी तो उसके दुष्परिणाम गर्भवती स्त्री एवं साथ ही साथ होने वाले बच्चे को भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए लौह लवण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है और गर्भवती स्त्री को आयरन एवं फॉलिक एसिड के टैबलेट उपलब्ध कराती है जिससे कि उनको एनीमिया से बचाया जा सके। बच्चों फिर हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे विटामिन। बेटा बच्चों विटामिन की बहुत अत्यंत सूक्ष्म मात्रा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उनका हमारे आहार में होना अनिवार्य होता है। गर्भावस्था में ये विटामिन की आवश्यकता भी सामान्य स्थिति से थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए आहार के माध्यम से उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। सबसे
महत्वपूर्ण विटामिन उसमें से विटामिन डी है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गर्भवती स्त्री को कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में चाहिए होता है गर्भस्थ शिशु के हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, और साथ ही साथ उसे आगे स्तनपान कराना होता है उसके लिए भी उसको कैल्शियम की मात्रा अधिक चाहिए होती है। और बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण विटामिन डी पर निर्भर करता है, या उसके अवशोषण के लिए विटामिन डी का आहार में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसलिए विटामिन डी पर विशेष ध्यान देते हुए गर्भवती स्त्री को सदैव धूप का सेवन करना चाहिए, जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। साथ ही साथ विटामिन ई प्रजनन अंगों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इन विटामिन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर बच्चों, बारी आती है जल एवं रेशे युक्त पदार्थों की। इनकी उपस्थिति पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। जल हमारे रक्त को तरलता प्रदान करता है, और हम सब जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु का पोषण रक्त के माध्यम से ही होता है, और जब जल की मात्रा अधिक होता है तो रक्त का भी शुद्धिकरण भली प्रकार से हो पाता है, और तरलता होने के कारण सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में बच्चे को उपलब्ध हो पाते हैं। और इसके साथ साथ रेशे युक्त पदार्थ और जल गर्भवती स्त्री को कब्ज से भी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक सामान्य समस्या होती है गर्भावस्था में, इसलिए गर्भावस्था में कब्ज से बचने के लिए भी जल की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, तथा रेशे युक्त पदार्थों जैसे छिलके वाली दाल, भूसी युक्त आटा, हरी सब्जी, फल, सलाद इत्यादि का सेवन करना चाहिए, जिससे कि गर्भावस्था में गर्भवती को पाचन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न ना हो पाए, और साथ ही साथ रक्त का परिसंचरण भी भली प्रकार से हो और होने वाला शिशु उत्तम स्वास्थ्य को लेकर जन्म ले। बच्चों, ये पोषक तत्वों की मात्रा थी जिस पर हमने चर्चा की, और ये जाना कि किन पोषक तत्वों की मात्रा कितनी और क्यों परिवर्तित हो जाती है। आइए अब हम एक तालिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं कि एक सामान्य महिला की अपेक्षाकृत एक गर्भवती महिला की पोषक तत्वों की मात्रा किस प्रकार भिन्न होती है। बच्चों, ये एक आहार संबंधी दैनिक आवश्यकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साधारण महिला, एक गर्भवती महिला और एक स्तनपान कराने वाली महिला के आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में ये चीज पढ़ा था कि संतुलित आहार विशेष अवस्था पर निर्भर करता है, और क्योंकि गर्भावस्था एक विशेष अवस्था है, इसलिए गर्भावस्था में पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य अवस्था से भिन्न हो जाती है, जिसे आप साफ देख सकते हैं। बच्चों, आप साफ देख सकते हैं कि कैलोरी की आवश्यकता एक साधारण महिला को 2100 की है, जबकि गर्भवती महिला को 2400 और स्तनपान कराने वाली महिला को 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन साधारण महिला को 60 ग्राम, गर्भवती महिला को 85 और स्तनपान कराने वाली महिला को 100 ग्राम चाहिए होती है। इसी प्रकार से कैल्शियम साधारण महिला को 0.8 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला को 1.5 और स्तनपान कराने वाली महिला को 2 ग्राम चाहिए होती है। और बच्चों, इसी प्रकार से आप अन्य पोषक तत्वों की मात्रा में भी अंतर को स्पष्ट रूप से तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि उस दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक गर्भवती को अपने दिन भर के आहार में किस भोज्य पदार्थ से कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए। आप ये जानते हैं कि पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं उनके कार्यों के आधार पर भोज्य पदार्थों को कुछ खाद्य समूहों में बांटा गया है। वे खाद्य समूह कुछ इस प्रकार हैं, इस पर विस्तार से आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। गर्भवती महिला यदि अपने दिन भर के आहार में अनाज 250 से लेकर 350 ग्राम उसको सेवन करना चाहिए, दालों का सेवन 50 से लगभग 75 ग्राम करना चाहिए, और ठीक इसी प्रकार से अन्य पदार्थों मात्रा के साथ उसको दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवन करना चाहिए, वह उसको ध्यान देना चाहिए कि दिन भर के आहार में इन भोज्य समूहों की इतनी मात्रा अवश्य रूप से लेनी चाहिए, जिससे उसकी पोषक संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। बच्चों, इन सब के बाद
कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में देना अत्यंत अनिवार्य है, जिससे आहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न ना होने पाए। वो कुछ इस प्रकार हैं। गर्भवती महिला को थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, उसे उपवास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को सदैव ताजा एवं स्वच्छ पका हुआ खाना खाना चाहिए, जिससे संक्रमण होने का डर ना हो। गर्भवती महिला को फास्ट फूड, तले भुने मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में पाचन प्रक्रिया सुगम नहीं रहती है। मदिरापान एवं धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। एनीमिया से बचने के लिए, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यह एक बड़ी विकट समस्या है गर्भवती स्त्रियों की, इससे बचने के लिए उसको अपने आहार में अंकुरित दलहन, हरे पत्तेदार साग सब्जियां, गुड़, तिल एवं लौह तत्व से भरे हुए भोज्य पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। सब्जियों का सूप, जूस आदि तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि जल की आवश्यकता की पूर्ति आसानी से की जा सके। संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का वजन लगभग 10 से 12 किलो बढ़ना चाहिए, उसे इतना आहार अवश्य निश्चित रूप से प्रतिदिन करना ही चाहिए। गर्भवती महिला को दूध या उससे बने हुए भोज्य पदार्थों का तथा अंजीर का सेवन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी उपलब्ध होता है, साथ ही साथ यह गर्भवती महिला को कब्ज से भी बचाने में मदद कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एवं विटामिन की गोलियां नियमित समय से लेते रहना चाहिए। बच्चों, इन सब जानकारियों के बाद अब अत्यंत अनिवार्य है कि हम प्रसव के दिन की गणना कैसे की जा सकती है, इसको जान लें। क्यों? क्योंकि प्रसव के समय भी विशेष सावधानियों की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ हमें कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती है। इसलिए गर्भवती स्त्री को और उसके परिवार को प्रसव के दिन की गणना किस प्रकार करनी चाहिए, ये इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, प्रसव के दिन की गणना स्त्री के अंतिम मासिक चक्र अर्थात गर्भ धारण करने के जो पूर्व मासिक चक्र हुआ है उसके आधार पर की जा सकती है। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि गर्भावस्था में मासिक चक्र बंद हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, तो प्रसव के दिन की गणना जिस महीने गर्भ धारण हुआ उसके पूर्व के माह में जिस दिन मासिक चक्र प्रारंभ हुआ था उसके प्रथम दिन से की जा सकती है। उस प्रथम दिन में 7 दिन हम जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंडाणु विकसित होता है और वो विमोचित होता है, तो अंडाणुओं के विकसित होने और विमोचन की प्रक्रिया लगभग मासिक चक्र के 7वें दिन से लेकर 14 दिन के बीच में ही संभव होती है। इसलिए अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन में हम 7 दिन जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि अंडाणु के विमोचन के बाद ही निषेचन की प्रक्रिया संभव है। उसमें उन 7 दिनों को जोड़ने के बाद हमने पढ़ा था कि गर्भावस्था 266 दिन से लेकर लगभग 280 दिन की होती है, जिसे अगर हम कैलेंडर के महीनों में जोड़ें तो वह लगभग 9 महीने के बराबर होता है। तो उन 7 दिनों को जोड़ने के बाद हम उस दिन में 9 माह जोड़ते हैं, तो जो तिथि हमें प्राप्त होती है वह लगभग एक अनुमानित प्रसव के दिन की गणना होती है, जिसे हम यहाँ पर इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी महिला ने गर्भधारण किया और उसका मासिक चक्र बंद हो गया तो उसके पिछले महीने में मान लेते हैं कि वो 20 तारीख थी, 20 अगस्त का दिन था, तो पिछले महीने में अगर उसको 20 अगस्त से रक्तस्राव प्रारंभ हुआ था तो उस 20 अगस्त में हम 7 दिन जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 27 अगस्त, और उस 27 अगस्त में जब हम 9 कैलेंडर के महीने जोड़ेंगे तो वह लगभग 27 मई का दिन हमें प्राप्त होगा, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह महिला जिसने अगस्त में गर्भ धारण किया है उसका प्रसव का दिन लगभग मई में होगा, और मई में किस दिन होगा उसकी गणना हम उसके मासिक चक्र के आधार पर कर सकते हैं। बच्चों, इसी को और अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए मैंने यहाँ पर एक तालिका बनाई है, जिसमें आपको गर्भ धारण का महीना और उसके साथ
सामने शिशु के जन्म के अनुमानित महीने को दिखाया गया है, जिसको आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि गर्भधारण जनवरी में हो रहा है तो शिशु का जन्म अक्टूबर में होगा, और ठीक इसी प्रकार से सभी महीनों की तुलना आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है इसके साथ आपको प्रत्याशित माता की देखरेख किस प्रकार करनी चाहिए, उसको क्या क्या कष्ट होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और हम कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जिससे कि गर्भावस्था सुकून से या आराम से बीते और एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो, इसकी पूरा ज्ञान आपको हो गया होगा। तो अंत में हम चर्चा करेंगे कुछ अभ्यास कार्यों की, जिसमें तीन प्रश्न दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं कि प्रसव की गणना किस प्रकार की जा सकती है, व्याख्या कीजिए। गर्भवती स्त्री को संतुलित आहार देना क्यों आवश्यक है? गर्भवती महिला के संतुलित आहार में किन तत्वों की अधिकता होनी चाहिए? कारण सहित समझाइए। और तीसरा और अंतिम प्रश्न है, गर्भवती महिला को आहार संबंधी किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है? बच्चों, मुझे उम्मीद है इस पाठ को पढ़ने के बाद, इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद, आप स्वयं भी जागरूक होंगे और अपने आसपास सभी गर्भवती स्त्रियों और उनके परिवार को ये जानकारी साझा करके एक स्वस्थ शिशु, एक स्वस्थ माता का निर्माण कर देश के उज्ज्वल भविष्य में अपना योगदान अवश्य देंगे। धन्यवाद।